कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन की रैली वाले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीजीपी नवदीत विर्क व आईजी अंबाला वाय पूरण कुमार। थानेसर के एसडीएम अखिल पिलानी बोले, हर व्यवस्था है पूरी। भूमिगत किसान नेता गुरनाम सिंह बोले, सारे नाके तोड़ मंजिल तक पहुंचेंगे। थानेसर के एसडीएम अखिल पिलानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज वर्किंग डे है, लोगों को कोई तकलीफ ना हो, जिसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। हाईवे पर यदि किसान कोई भी बवेला करते हैं तो क्रेन एम्बुलेंस ड्यूटी मजिस्ट्रेट सब तमाम पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अनाज मंडी एसोसिएशन प्रधान बनारसी दास ने कहा कि आज की रैली कोई अकस्मात आयोजित नहीं की गई थी। इससे पहले दो बार प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था कि सरकार जो अध्यादेश लाई है वो किसान व आर्थिक विरोधी, इसे वापस लिया जाए, लेकिन प्रदर्शन करना सबका हक है। लोकतंत्र में हमें प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। साथियों, हमें पता चला है कि पुलिस ने जगह जगह पे नाके लगा दिए हैं, लेकिन हमारी बेनती ये है कि हमने अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचना है, हम ये सारे नाके तोड़ेंगे। लेकिन हमारी बेनती है उससे पहले कि हर नाका तोड़ने से पहले पूरी तरह वहाँ पे जो भी हमारे अगवा लोग हैं वो पूरी तरह से अनाउंसमेंट करें कि कोई भाई पुलिस पे हमला ना करे, कोई भाई पुलिस पे पत्थर ना मारे, कोई उनकी वर्दी ना पकड़े और कोई किसी तरह की आगजनी, किसी तरह की तोड़ फोड़ ना करे। हमने केवल उनके नाके तोड़ने हैं और अगर उसके बदले में पुलिस हमें लठ मारती है तो हमने पुलिस के आगे लेट के लठ खाने हैं। पुलिस जितना मार सकती है, जो अत्याचार पुलिस कर सकती है वो पुलिस की छूट है, हमने पुलिस पे हमला नहीं करना, पुलिस हमारे पे जो मर्जी करे। और आप मेरी दोबारा हिदायत है कि नाका तोड़ने से पहले जब सारे वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, जो हमारे अगवा है वो पूरी तरह से, उनकी जिम्मेवारी है, वो पूरी तरह से अनाउंसमेंट करें कि हमारा कोई आदमी आगजनी नहीं करेगा, कोई आदमी तोड़फोड़ नहीं करेगा, कोई आदमी आने जाने वाले से झगड़ा नहीं करेगा, कोई आदमी पुलिस से टकराव नहीं करेगा, लेकिन नाके तोड़ के जरूर पहुंचना है। आज हमने पुलिस की लाठियों का दम देखना है और पिपली में जरूर पहुंचना है। बस मेरी इतनी सी बेनती है, धन्यवाद। करनी है, आज वर्किंग डे है तो किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, तो उन्होंने नाके ऐसे लगाए हैं कि डाइवर्जन हो और जिसको काम पे जाना है, जिसको कहीं भी जाना है, वो अपना रास्ता आराम से जा सके और हाईवे पे किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी ना हो, इसका भी पूरा प्रबंध किया हुआ है। हर जगह सेंसिटिव पॉइंट्स पे क्रेन्स हैं, एम्बुलेंस है और बाकी टीम्स भी तैनात हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगे हैं और पुलिस का पूरा अरेंजमेंट है, तो किसी भी प्रकार की किसी को तकलीफ नहीं होगी। आज प्रदर्शन था और आप मंडी से बाहर हैं, तो क्या करेंगे? मैं अपने डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र अनाज मंडी एसोसिएशन का जिला प्रधान हूँ और इन्होंने जो दमनकारी नीति अपनाई है ये एक विस्फोटक होके निपटेगी। कोई आज रैली का आयोजन कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसके लिए हमने प्रशासन को 1.5 महीना पहले 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार की कान पे कोई जू नहीं रेंगती। आज किसान भूखमरी की कगार पे है। कोरोना महामारी से बड़ी महामारी जो ये 3 अध्यादेश सरकार ने जारी किए हैं इस पे है और इसका इतना कोरोना को इतना डर नहीं है जितना कि इस भूखमरी की मारी। आज आयोजन था मंडी के अंदर, आप लोगों को जाने नहीं जा रहा है। प्रशासन ने अंग्रेजों का राज, जैसे बुजुर्ग बताया करते थे अंग्रेजों का राज में ऐसा करते थे, वो राज उन्होंने आज करके दिखा दिया है। बंद है बिल्कुल मंडी, मंडी तक तो जाने देते, हमारे अपने संस्थान बंद है, वहाँ पता नहीं चोरी कराएंगे, डाका डलवाएंगे, क्या करेंगे। लोग भी परेशान हो रहे, लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को इतना परेशान कर रखा है कि किसी एम्बुलेंस वाले को ये नहीं निकलने देते, किसी बीमार व्यक्ति को ये नहीं जाने देते। जो भी आता है इन्होंने सब एक दिखता है कि ये किसान है। अरे किसान तो तब भी था जब पूरा प्रदेश अपने घर के अंदर बैठा था, मोदी जी के एक आह्वान पे कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन किसान ने खेत में जाकर दिन रात करके इस देश को बचाया, इस देश के ग्राफ को बचाया। तो जाएंगे मंडी में अभी आप किसान? हाँ हम मंडी जाएंगे। तो क्या किसान आएंगे मंडी? बिल्कुल आएंगे। 15 अगस्त के दिन आपने ज्ञापन सौंपा था, उस दिन सरकार ने कहा था कि जो ये ज्ञापन दे रहे हैं वो देश विरोधी है। जो गद्दार लोग होते हैं वो देश विरोधी का नारा देते हैं। देश विरोधी किसान देश विरोधी है। किसान भूखमरी में अपनी बात को उठाना चाहता है, दमनकारी नीति से उसको दमन कर देते हैं। हर गांव के अंदर पुलिस बैठा रखी है, हर चौक पे पुलिस बैठाई हुई है। आपका नाम बताइए? मेरा नाम बनारसी दास। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।